महाराजगंज जिले में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज नामांकन संपन्न होगा। जनपद के 12 ब्लॉकों में प्रमुख पद के लिए चुनाव होना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सभी नामांकन केंद्रों पर आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन संपन्न कराने के लिए सभी नामांकन केंद्रों के अंदर व बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। जनपद में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। जनपद में बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों को जहां मैदान में उतारा है, वहीं 2 निर्दल प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लिखित रूप से 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन कई निर्दल प्रत्याशियों को समर्थन कर रही है। वहीं जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक क्षेत्र से पूर्व विधान परिषद सभापति गणेश शंकर पांडे की पुत्रवधु अंजलि पांडे भी चुनावी मैदान में निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरी है, जिन्हें भाजपा ने समर्थन दिया है। शांतिपूर्ण नामांकन संपन्न कराने के लिए डीएम व एसपी ने जनपद के सभी नामांकन केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के ब्लॉकों में शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन का कार्य चल रहा है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं नामांकन करने आए प्रत्याशियों का कहना है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन मिला तो गांव का तेजी के साथ विकास करेंगे। महाराजगंज से विजय चौरसिया की रिपोर्ट। नामांकन किए जा रहे थे, कितने ब्लॉकों में नामांकन हुआ है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की? जनपद के 12 विकास खंडों में आज प्रमुख पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद उनका स्क्रूटनी किया जाएगा और आज ही जो पर्चे खारिज होते हैं उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। इसके बाद कल नामांकन वापसी का समय है, जिसमें पर्चे वापस लिए जा सकते हैं, और परसों इलेक्शन होगा सभी 12 विकासखंड में। जहाँ पर भी 2 कैंडिडेट होते हैं वहाँ इलेक्शन होगा, जहाँ भी एक ही सिर्फ अगर उम्मीदवार रह जाते हैं उनको निर्विरोध निर्वाचित करें। सर, कई जगहों पर छिटपुट सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह की बात आ रही है, आपकी झड़प की बात आ रही है, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस तरह की? सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो थोड़ी बहुत बातें जो आ रही हैं वो भी बिल्कुल निगेट कर दिया गया है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन नहीं है। सभी लोग अपना निष्पक्ष तरीके से पर्चा दाखिल करने के लिए सक्षम हैं। क्या है आज, और अगर जीत मिलती है तो क्या योजनाएं हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पे विश्वास जताया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाया है। उसी के मद्देनज़र आज हम पर्चा दाखिला किए हैं। यदि हमारे ब्लॉक के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे ऊपर विश्वास जताते हैं तो हम इस ब्लॉक के अंतर्गत सभी गाँव का विकास भरपूर ढंग से करेंगे। ब्लॉक को बेस्ट आदर्श ब्लॉक बनाना चाहूँगी और यहाँ की जो निजी समस्याएं हैं छोटी बड़ी उनको ध्यान में रखूंगी। किस तरह की व्यवस्था किया गया है नेपाल सीमा को देखते हुए, किस तरह के अलर्टनेस बरता जा रहा है? व्यापक सुरक्षा के इंतजाम हैं, सभी जगह बैरिकेटिंग की गई है, बैरियर्स लगाए गए हैं, कोई भी वाहन अलाउ नहीं है। जितने निर्धारित लोग अंदर जाके नामांकन करने हैं उतने ही जा रहे हैं और सभी जगह चेकिंग फेस्किंग चल रही है। नेपाल सीमा पर भी, चूँकि नेपाल के अंदर अभी बंद चल रहा है तो पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा गया है और एसएसबी के लोगों की भी हेल्प ली जा रही है। किसी भी प्रकार का आवागमन को परमिशन नहीं दी गई है और सभी जगह से कुशल नामांकन हो रहा है।